बात करते हैं वेरिएशन ऑफ कैपम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी का कंडक्टेंस के हिसाब से वेरिएशन कैसे आता है। अब इसमें ना दो ग्राफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की खास बात ये होती है कि क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है उसके लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है बेसिकली 100%। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप कैपम और सी का ग्राफ बनाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसा स्ट्रेट, ठीक है। लेकिन अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैप एम और सी का ग्राफ बनाओगे तो एक्सपेरिमेंटली वो ग्राफ आता है हाइपरबोला के जैसे, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो यहां पर ये टोटल सीन है। तो यहां पर वेरिएशन को इस तरह से देख सकते हैं। अगर आप KCl जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन अगर आप CH3COH जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो आपका ग्राफ एकदम ऐसा होगा, कैसा, हाइपरबोला। ये ग्राफ भी ध्यान रखना है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ आता है हाइपरबोला के जैसा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ होता है एकदम स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ किस किस के बीच में बनाया जाता है? मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन की रूट के बीच में बनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, याद रखना। फिर मत कहना बताया नहीं था। सो दिस इज द रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब आपको मजे की बात बताता हूं यहीं से। आप अब देखो मजे की बात क्या है, अगर आप मान लो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैप एम और सी का वैल्यू है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अब जो चीजें बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मत कहना बताया नहीं। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, कितनी बार बोलूंगा ध्यान से सुनो मैं भावड़ा हो जाऊंगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना फिर से कैसा हो गया मैं सही बता रहा हूं। चलो तो सुनो, ऐसा है कि ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन जो है अंडर द रूट सी वो कहां बढ़ रही है, इस तरफ। कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ बढ़ रही है तो बताओ डाइल्यूशन किस तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ। मतलब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को कम करूं और डाइल्यूशन को बढ़ाऊं तो आप देखोगे कंडक्टेंस की वैल्यू, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये ग्राफ से भी पता कर सकते हो, और कॉमन बात है, आप खुद ही देखो कैपम का फॉर्मूला क्या होता है। कैपम का फॉर्मूला है ये, इस केस में अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को कम करूंगा तो कैपम की वैल्यू इंक्रीज होगी, खत्म कहां नहीं। सबको समझ में आ गया, कॉन्सेंट्रेशन कम करूंगा कैपम की वैल्यू बढ़ेगी, डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा कैपम की वैल्यू बढ़ेगी। अब उस वेरिएशन को जरा ध्यान से देखो, धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा हूं या डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूं तो कैपम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये ना वाई एक्सिस को काटेगा इस पॉइंट पर, है ना, ये तो पक्का काटेगा। इसको बोलते हैं जीरो डाइल्यूशन पॉइंट या फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट या फिर इनफिनिटी डाइल्यूशन पॉइंट। इस टाइम पे आप आसानी से यहां पर कैपम नोट का वैल्यू निकाल सकते हो। कैपम नोट क्या होता है? कैपम नोट का मतलब होता है मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि यहां पर जीरो का मतलब क्या हुआ कि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गई। जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे आप कैपम नोट की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग के लिए निकाल सकते हो। क्या वीक के लिए निकाल पाओगे? नहीं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट तो कभी वाई एक्सिस को काटेगा ही नहीं। काट के दिखाओ। इन दैट केस आप कोलेज लॉ को इस्तेमाल करते हो। कोलेज लॉ कहता है कि भैया चिंता नोट, फिकर नोट, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आप मान लो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आप जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे आप मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो, जैसे कि मान लो आप CH3COH की मोलर कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन में निकालना चाहते हो जो कि ग्राफिकली पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करो, कैपम नॉट का वैल्यू ले लो अलग अलग आयन के लिए, CH3COH- के लिए अलग से ले लो, जो डेटा आपको मिल जाएगा दैट्स वेरी इजी, और H+ के लिए अलग से ले लो, दोनों को जोड़ दो, आपको CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन इन्फिनिटी डाइल्यूजन पे जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे मिल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी इसी को। और मैं आपको बताता हूँ कोलेज लो सबसे आसान लो है, सबसे आसान, फर्जी, एकदम फर्जी, जीरो, और इतना आसान क्वेश्चन आते हैं क्या बताऊँ आपको। ओवरऑल आप यहां से एक और काम कर सकते हो, आप यहां पर किसी भी सॉल्यूशन की अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो। आप किसी भी कंडीशन में कैपम लो, उसी कंडीशन में कैप, आप किसी भी कंडीशन में कैपम को डिवाइड कर दो कैपम नॉट से या कैपम इन्फानाइट से। बाय द वे कैपम नॉट और कैपम इन्फानाइट एक ही बात है, घबराना नहीं है इससे। अब आप कहोगे सर कैसे, कैपम नॉट का मतलब होता है जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस, इन्फानाइट का मतलब होता है इन्फानाइट डिल्यूजन पे मोलर कंडक्टेंस, तो बात एक ही है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब इन्फानाइट डिल्यूजन ही होता है। समझ में आ